अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साथ के, जहाँ पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइस, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं एक ईडियम। ओके, एंड द ईडियम इज अ जेल बर्ड। ऑल राइट, अ जेल बर्ड। तो इस ईडियम का क्या मतलब है, जेल बर्ड? ओके, तो इसका मतलब होता है कि, पहले मैं इसका मतलब बताता हूँ, अ जेल बर्ड ये इस तरीके से क्यों है कि पहले के टाइम पे, ऑल राइट, 1647 के अराउंड, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो क्रिमिनल्स होते थे ना, तो जो उसमें से जो क्रिमिनल्स के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिमिनल होते थे, उनको एक केज में कैद कर दिया जाता था। और वो केज कैसा होता था, वो केज इस तरीके का होता था जैसे जिस केज में हम चिड़िया को रखते हैं ना, चिड़िया का जो एक केज होता है छोटा सा, उस तरीके का केज होता है। उसी तरीके से उस टाइम के क्रिमिनल्स को उसमें रखा जाता था, जो बहुत ज़्यादा बदमाश होता था। इसीलिए इस ईडियम का नाम है अ जेल बर्ड। ओके, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया, अ जेल बर्ड। इसका अगर मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है अ प्रिजनर। ऑब्वियसली प्रिजन में उसको डाल दिया जाता है, और या फिर इसको इस मीनिंग में भी लिया जाता है अ हैबिचुअल क्रिमिनल, मतलब एक ऐसा आदमी जो मतलब आता जाते रहता है, यू नो, क्राइम करता है, जेल जाता है, आता है, क्राइम करता है, जेल जाता है, आता है, मतलब वो उसमें एकदम इन्वॉल्व है। ओके, अगर अपनी भाषा में कहो तो राउडी शीटर। ओके, इस सेंस में भी तो उसको कह सकते हैं। ऑल राइट, तो इसलिए इस एडियम को हम कहते हैं अ जेल बर्ड। ऑल राइट, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज A jailbird is never afraid to go to prison. A jailbird is never afraid to go to prison. मतलब जो jailbird होता है, जो बार बार आते जाते रहते हैं जेल, उसको प्रिजन में जाने से कोई डर नहीं। उसका मतलब एक तो उसने उसका शेवा हो गया है कि वो ये काम करेगा और जेल जाएगा। ऑल राइट, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। उसके बाद अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल है, द गाई यू मेट इज अ जेल बर्ड। ओके, द गाय यू मेट इज़ अ जेल बर्ड, मतलब जिस लड़के से तुम अभी मुलाकात करे हो ना, ये जेल बर्ड है, मतलब ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, ये बार बार आते जाते रहते हैं जेल, ये क्रिमिनल थिंग्स में इन्वॉल्व है, क्राइम करता है, जेल जाता है और आता है, तो बार बार मतलब वो उसका आना जाना लगे रहता है। तो एग्जाम्पल वॉज द गाय यू मेट इज अ जेल बर्ड, मतलब जिस बंदे से तुमने मुलाकात की वो जेल बर्ड है। तो इस सेंस में इसे यूज़ किया जाता है, ये इस ईडियम को। ऑल राइट, तो आई होप गाइज आपको ये समझ गया होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप जब भी स्पीकिंग करो इंग्लिश की, तो इस ईडियम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, ईडियम्स का यूज़ करो, फ्रेजेस का यूज़ करो, इससे आपकी इंग्लिश में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऑल राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।